जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अमित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। यहाँ पर जितने भी हमारे Xiaomi 11 आई डिवाइस यूजर हैं उन सभी के लिए फाइनली अच्छी न्यूज़ ये है MIUI 13 अपडेट के रिगार्डिंग। अब ये कौन कौन से यूजर्स को जो है यहाँ पर फाइनली अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले 8:14 पर जो है यहाँ पर जिनके डिवाइसिस में SKT या RKTINXM चल रहा है, जो लास्ट में XM जो लिखा हुआ है ना, अगर ये वाला वर्जन आपके डिवाइस में चल रहा है ना, तो आपके लिए यहाँ पर MIUI 13.0.3.0 का स्टेबल यहां पर MIUI 13 और Android 12 का अपडेट पब्लिकली रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जानकारी हमने जैसे ही टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करी ना, तो हमारे जितने भी फॉलोवर्स हैं वहां पर उन सब ने जो है चेक किया और उनके डिवाइस में अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। और जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 8:21 के आसपास भी काफ़ी सारे यूजर्स को जो है यहाँ पर अपडेट मिल रहा है, वो लोग चेक कर रहे हैं उनके डिवाइस में अपडेट यहाँ पर शो कर रहा है और उन लोगों ने अभी यहाँ पर डाउनलोड करना भी स्टार्ट कर दिया है। और जिन लोगों के डिवाइस में जो अभी तक अपडेट शो नहीं कर रहा, तो प्लीज़ मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, डिवाइस के अंदर चेक करते रहो, कभी भी अब अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनली जो अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और जिनके डिवाइस में XM वाला वर्जन है ना, उनके अंदर 13.0.3.0 वाला ही अपडेट मिलेगा। और जिनके डिवाइस में FK वाला वर्जन चल रहा है, यानी कि लास्ट में FK लिखा हुआ है, यानी कि RKT, और जिनके डिवाइस में यानी कि MIUI 12.5.7.0 RKTINFK लिखा है ना, उनके अंदर यहाँ पर मिलेगा 13.0.1.0। जी हाँ दोस्तों, और जिनके डिवाइस में XM चल रहा है उनमें 13.0.3.0 मिलेगा। अभी जो ये पब्लिक रोल आउट हुआ है ना, ये जिनके डिवाइस में XM लिखा हुआ देखने को मिलता है उनके लिए यहाँ पर रिलीज हुआ है। तो फटाफट से सेटिंग में जाओ, अबाउट फोन में जाओ और MIUI 12 के ऊपर क्लिक करके MIUI 13 को अपडेट कर लो। 3.1 GB का ये अपडेट साइज यहाँ पर देखने को मिलता है। और लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपको बेझिझक होकर अपडेट करना चाहिए। इस डिवाइस में अपडेट के बाद कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप इसको अपडेट कर रहे हो ना, तो बैकग्राउंड में जितने भी ऐप्स चल रहे हैं उन सभी को जो है यहाँ से हटा देना, और आपने अगर कोई चाइनीज APK वगैरह इंस्टॉल करके रखा हुआ है ना, उसको अनइंस्टॉल अपडेट कर देना। और उसके बाद क्या है कि अपडेट को कंटिन्यूसली डाउनलोड होने देना, बीच में पॉज नहीं होना चाहिए। अगर बीच में पॉज हुआ तो सर्वर से कनेक्शन टूटेगा और कई सारे बग्स आपके डिवाइस में आ जाएंगे। तो कंटिन्यूसली डाउनलोड होने दो, अच्छी स्पीड से डाउनलोड करो, ताकि आपके डिवाइस में यहाँ पर अच्छे तरीके से अपडेट हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो जाइए फटाफट से चेकआउट करिए और अपडेट करिए अपने डिवाइस को, और मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपडेट मिला कि नहीं मिला। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।